हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आज कोई स्टडी का टॉपिक लेके नहीं आया हूं, ना मैं आपको कोई न्यूज़ बताने वाला हूं। आज मैं आपको मेरी एक छोटी सी पोएम है वो मैं सुनाना चाहता हूं, जो मैंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बनाई है। तो साथियों, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करें। आइए शुरू करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि नसीब किसे कहते हैं। मैंने जवाब दिया, दुनिया में 200 से ज्यादा देश, फिर भी जन्म हिंदुस्तान में होना, इसे कहते हैं नसीब। भगवान का, खुदा का, वाहे गुरु का धन्यवाद करता हूं कि हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। वीरों की इस पावन धरती पर मेरा जन्म हुआ है, जहां कितने धर्म, जातियां, राज्य, शहर, फिर भी हमारे दिलों में हिंदुस्तान जिंदा है। इसलिए अपने आप को खुश नसीब समझता हूं, और ये मेरा नसीब है कि हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। हिंदुस्तान में जन्म मिले ऐसे सबके कर्म नहीं, हिंदुस्तान में जन्म मिले ऐसे सबके कर्म नहीं, मेरा हिंदुस्तान किसी स्वर्ग से कम नहीं। देश से गद्दारी करें, गौर से सुनिए, देश से गद्दारी करें ऐसे हम नहीं, दुश्मन आंख उठा के देखे, दुश्मन आंख उठा के देखे, इतना उसमें दम नहीं, हमारा हौसला तोड़े ऐसे दुश्मन की गोली और बम नहीं, ऐसे दुश्मन की गोली और बम नहीं, तिरंगा ना झुके कभी, इसके लिए जान जाए तो भी कोई गम नहीं, इसके लिए जान जाए तो भी कोई गम नहीं। इसके बाद छोटी सी और लाइन है, वो भी सुन लीजिए। भारत माँ तेरी ओर आंख जो उठाएगा चूर चूर वो हो जाएगा, भारत माँ तेरी ओर आंख जो उठाएगा चूर चूर वो हो जाएगा। चौड़ी है तेरे बेटों की छाती, इनसे जो टकराएगा कभी उठ नहीं पाएगा। इसके बाद एक सैनिक बोलता है, जो बॉर्डर पे है, वो क्या बोल रहा है, सरहद पर जान चाहे जाए पर दुश्मन अंदर घुसने पाए, हम चाहे रहें अंधेरे में परदेश के अंदर हर सवेरा खुशी का आए। खुश नसीब है वो जिनकी जान देश के काम आए। इसके बाद एक सैनिक अपने अंतिम समय में क्या बोलता है, अंतिम सब बोल रहा है कि मैं याद हूं या नहीं पर अब याद आऊंगा, जब तिरंगा में लिपट कर घर आऊंगा, कसम से हर किसी को रुला जाऊंगा। पर तुम रोना नहीं, सब्र खोना नहीं, मैं फिर आऊंगा, फिर शहादत पाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर ये पोइम सुन के आपके अंदर देशभक्ति नहीं जागे तो बहुत गलत है। आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन शहीदों के नाम, उन सैनिकों के नाम लाइक जरूर करें, जिससे हौसला मिले। और ये जो पोइम है हमारे देश के सैनिकों के लिए डेडिकेटेड है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और भारत माता की जय जरूर लिखें। जय हिंद।